हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म मोहिंजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज़ देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 की रेटिंग इस मूवी को बी पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वार प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी तो मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 की की रेटिंग इस मूवी को IMDb पर प्रोवाइड गई, जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो एक किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गोवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर हृतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणोड सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारीकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ एक एवरेज मूवी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो यह किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंज मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूज़र की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को सिक्सटी फाइव परसेंट तक लाइक किया गया आई एम डी बी की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर Netflix नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजो दारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष गुवारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे।, के के थे।, तो थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गुवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी वी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी वी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 की की रेटिंग इस मूवी को IMDb पर प्रोवाइड गई, जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉमेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर हृतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी तो का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुण नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूज़र की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को सिक्सटी फाइव परसेंट तक लाइक किया गया आई एम डी बी की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आईएमडीबी पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर Netflix नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारू मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस, इस, इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 पॉइंट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो एक किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गोवारीकर इस, इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर हृतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 पॉइंट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के, के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कॉम्पनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारीकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब रह... बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष गवारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर भेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब तो 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 से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो एक किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर हृतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के, के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूज़र की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को सिक्सटी फाइव परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आईएमडीबी पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो यह किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉमेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गोवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर हृतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप मूवी की को संभालने वाले थे। मूवी के को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर Productions Private Limited and UTV motion pictures जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टीवी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो एक इस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनरल के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया ला गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट की राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूज़र की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने खेंग के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो एक इस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंज मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गोवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 10 की की रेटिंग इस मूवी को IMDb पर प्रोवाइड गई, जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो, तुँँग तुँँग तुँख तुँख तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर भेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारीकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी तो का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ एक एवरेज मूवी मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें 5.6 10 रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को, को मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो यह किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष ग्वारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणोड सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 की रेटिंग इस मूवी को बी पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्विटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंड्री एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो यह किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर हृतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के, के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूज़र की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानिब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर Netflix नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो एक किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसिस इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारीकर Productions Private Limited and UTV motion pictures जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टीवी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे, रहे थे। अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई हाँ की बात करें तो 5.6 एवरेज सी रेटिंग इस को IMDb पर की गई जो एक थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसिसिस इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की तो टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवाला के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंज मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर हृतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी तो मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूज़र की बात करेंगे कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर Netflix नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने खेंग के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉमेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म मोहिंजो दारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गोवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष गोवारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गोवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसिस इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई हाँ की बात करें तो 5.6 की की रेटिंग इस मूवी को IMDb पर प्रोवाइड गई, जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉमेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता गवारीकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूज़िक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम डोरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम डोरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम डोरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को 65 परसेंट तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि यह मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिजोदारो के बारे में तो यह किस तरह की फिल्म बनाई गई मीन्स के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिंजो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष ग्वारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी नोडे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष गुवारिकर प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू टी मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो 5.6 की की रेटिंग इस मूवी को IMDb पर प्रोवाइड गई, जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठ कर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर सकते हैं तो काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2016 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म मोहिंजो के बारे में तो ये किस तरह की फिल्म बनाई गई मींस के मूवी का जेनर कैसा था मूवी की स्टार कास्ट में एक्टर्स कौन कौन से थे मूवी के डायरेक्टर कौन थे राइटर कौन थे इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग एंड म्यूजिक को किसने संभाला मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल थी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किस कंपनी ने किया मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई आप लोग अभी इस मूवी को कहाँ पर देख सकते हैं बजट कितना था बॉक्स ऑफिस कितना रहा इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक एंड डिसलाइक किया गया एंड लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मूवी को कहाँ पर आप लोग अभी देख सकते हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे से रिव्यू किया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ डीपली फैक्ट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई गई है आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड एक लाइक लाजमी से कर दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं साल 2016 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म मोहिजोदारो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग इस मूवी की जनर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या देखने को मिलेगा मीन्स एक्शन होगा क्राइम होगा ड्रामा होगा थ्रिल होगा कॉमेडी होगी रोमांस होगा आप लोग इस मूवी में क्या देखने वाले हैं तो साल 2016 में रिलीज होने वाली मोहिंजो दारो मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन एंड एडवेंचर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे तो आशुतोष गवारीकर इस मूवी के डायरेक्टर थे राइटर की बात करें तो आशुतोष ग्वारीकर एंड प्रीति ममगेन इस मूवी के राइटिंग एंड डायलॉग्स को संभालने वाले थे अब बात करते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन थे तो सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड सुनीता ग्वारकर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे अब बात करते हैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि मूवी की स्टार कास्ट में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे तो इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर ऋतिक रोशन पूजा हेगड़े कबीर बेड़ी अरुणे सिंह शरद केलकर उमंग व्यास जैसे बड़े बड़े एक्टर्स एंड काफ़ी सारे लेजेंडरी एक्टर्स भी इस मूवी की स्टार कास्ट में देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला तो सी के मुरलीधरन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले थे एडिटिंग की बात करें तो संदीप फ्रांसीजी इस मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे मूवी के म्यूजिक को संभाला था ए आर रहमान ने अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी कंपनीज देखने को मिलेगी तो मूवी की प्रोडक्शन कंपनी में आशुतोष ग्वारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड यू मोशन पिक्चर्स जैसी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट भी यू मोशन पिक्चर्स ने ही किया था अब बात करते हैं मूवी कब कहाँ किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई तो ये मूवी 12 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर एंड हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में मूवी लग चुकी थी आप लोग वहां पर जाकर इस मूवी को देख पा रहे थे अब बात करते हैं मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी थी तो मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन दो घंटे और उनचास मिनट के राउंड अबाउट बनाई गई जो कि काफ़ी अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन रखी गई थी अब बात करते हैं मूवी के बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था एंड बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया तो मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ था एंड बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 107 करोड़ कलेक्ट किया जिसके साथ ये एक एवरेज मूवी साबित रही अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सबसे पहले हम गूगल यूजर की बात करेंगे कि गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो गूगल यूजर की जानब से इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया गया आई की बात करें तो out of 10 की पॉइंट इस मूवी को आई पर प्रोवाइड की गई जो कि एक एवरेज सी रेटिंग थी अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी अभी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी स्पेशली मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं तो जी नहीं मूवी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी ये क्वालिटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है आप लोग अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई गई है एक मरतबा आप लोगों को इस मूवी को लाजमी से देखना चाहिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करके आप फ्यूचर में आने वाली हमारी हर किस्म के वीडियो से बाखबर रह सकते हैं तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय